अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दिखा रही हूँ पुफ स्लेवस आप किस तरह से बना सकते हैं। ये है पेपर में मैंने काट लिया है। ये कैसे मैंने किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देखकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कपड़ा है मैं फोल्ड किया हूँ करके, यानी यहाँ पे फोल्ड लेयर का कपड़ा है। और ये जो कागज़ है मैं सेंटर को इस तरह से मार्क करके यहाँ पर इस तरह से 3 पॉइंट निकाल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक लाइन खींच कर मैं ये जो लाइन है वो काट लूँगी। ये मेरी घेर के लिए है। अगर आप ज़्यादा चाहें तो ये जो लाइन मैंने दिया है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम रख रही हूँ इसलिए मैंने 3 दिया है। फोल्ड साइड जो है वहाँ पे मैं इस तरह से रखकर ये जो कागज़ है कागज़ को मैं इस तरह से फैल कर पिन से मैं इसे ब्लॉक कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से कर लेती हूँ। और इसका जो लंबाई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने ले रही हूँ, जो लंबाई है आपका जो घेर है आपका हाथों का, यहाँ पर मैंने लिया है 7 6 है मेरी नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, 7 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा लिया है मैं सिलाई के लिए। और ये यहाँ से मैं और एक कपड़ा निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे अब एक करना है। यहाँ जो है आप जो करेंगे इस तरह से कागज़ को रख कर यहाँ तक आपको एक ड्रॉ लाइन करना है इस तरह से। और वैसे ही इस यहाँ पे भी आप लोगों को इस तरह से लेकर मार्क करना है। ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है सेंटर में इसमें हम पैलेट्स डालेंगे। तो मैंने एक धागा लिया है और सुई लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैं हाथों से सिलाई करूँगी। यहाँ ज़रूरत नहीं है कि छोटे छोटे करके, आपको जिस तरह से आते हैं वैसे ही कीजिए क्योंकि इसे मैं इस तरह से पैलेट फोल्ड कर लूँगी। और ये मैं वो कागज़ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसे मैं देख लूँगी कि ये सही है या नहीं। और यहाँ से अब जब आप लोगों की सिलाई हो जाएगी हाथों से उसके बाद आपको लेना होगा आप कितना लंबा चाहते हैं। यहाँ पर मैंने 7 इंच ही लिया है लंबाई के लिए और 1/2 इंच मैं सिलाई के लिए लिया हूँ। और यहाँ से इस तरह से मैं इसे काट लेती हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्ट वही हुआ है। ये इसका कागज़ शायद आप लोगों को समझ में आई, ये एग्जैक्ट यही है, बड़ा या फिर कम नहीं है। अब इसे मैं ब्लॉक कर देती हूँ। इस तरह से मैं दोनों स्लेव्स को तैयार कर लूँगी। ये मेरी कमीज़ है, ये शोल्डर का साइड है। मैं यहाँ से सेंटर पहले मैं निकाल लूँगी, उसके बाद पिन देकर इसे ब्लॉक कर लूँगी। आप लोग जो नए हैं उन लोगों को बताती हूँ, आप प्लीज सिलाई करने से पहले पिन देकर ब्लॉक कर लीजिए तो सिलाने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर ली है, अब इसे मैं सिलाई करूँगी। यहाँ पे मेरा सिलाई हो गई है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर पे बॉर्डर लगा सकते हैं, लेस या फिर जो चाहे, मैं ये अटैच कर लूँगी। और सिल्क फैब्रिक के लिए मैं आप लोगों को प्रेफर करती हूँ, काटने से पहले आप 2 इंच ज़्यादा लीजिए क्योंकि जॉर्जेट का जो फैब्रिक है यहाँ इस कपड़े में एक्चुअली जो मेजरमेंट होती है परफेक्ट नहीं आती है, इसलिए आप लोग कोशिश करना 2 इंच ज़्यादा लेने के लिए। और कपड़े डायरेक्ट मत काटना, पहले कागज़ पे काटिए उसके बाद फैब्रिक पर तो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर तैयार हो गई। अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।